चीज तो बहुत सिंपल सी है, नहीं भी कराता तो भी तुम लोग कर लेते। लास्ट टाइम हम लास्ट क्लास में करे थे, अगर सिर्फ डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है तो क्या इंपैक्ट आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। तो छोटा सा रिकैप, इंक्रीज हो गई डिमांड, कुछ मार्केट इक्विलिब्रियम में थी, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, शॉर्टेज होगी, क्योंकि पहले डिमांड और सप्लाई इक्वल थी कि 500 यूनिट्स चाहिए तो 500 यूनिट्स बन रही है उस प्राइस पे। अब अगर डिमांड एकदम से सेम प्राइस पे बढ़ गई, सप्लाई रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, तो शॉर्टेज होगा ना, शॉर्टेज होगा, प्रोड्यूसर्स फायदा उठा रहे थे, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाता है, फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इवेंचुअली बढ़ जाती है। डिक्रीज इन डिमांड में एक्सेस सप्लाई हो जाती है तो प्राइसेस गिर जाते हैं, और इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों गिर जाते हैं। अब हम स्टडी करेंगे अगर सप्लाई चेंज होती है, डिमांड रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, देर इज अ चेंज इन सप्लाई। सिंपल, ध्यान से देखना, एक्चुअली वेरी वेरी इजी। चलो बिना बनाए पूछता हूं मैं आपसे, कौन ट्राई करना चाहेगा कि क्या होने वाला है? एनीवन बोलो। दृष्टि, इंक्रीज इन सप्लाई, तो इक्विलिब्रियम बना देंगे पहले, तो डिमांड कर्व सप्लाई कर्व, इंक्रीज इन सप्लाई, राइट वर्ड शिफ्ट दिखाएंगे हम सप्लाई कर्व का, ठीक है ना? वेरी गुड, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, तो देर विल बी एक्सेस सप्लाई, जाएंगे। जंप मारी, एक्सेस सप्लाई थी तो एक्सेस सप्लाई, देर विल बी कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर्स, सेलर्स विल बी फोर्स टू लोअर देयर प्राइसेस, एज दे लोअर देयर प्राइसेस व्हाट हैपेंस, सर डिमांड बढ़ जाएगी, ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड द डिमांड राइजेस एंड ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई सप्लाई फॉल्स। दोनों बातें करनी पड़ेंगी ना, कि प्राइसेस कम, प्रोड्यूसर्स वर फोर्स टू लोअर द प्राइसेस, प्राइसेस लोअर करने का इंपैक्ट क्या होगा, तो इसलिए तो इसको चेन इफेक्ट्स बोलते हैं, कि वन थिंग लीड्स टू अनदर। चलो क्या स्टडी कर रहे हैं हम, चेंज इन सप्लाई का इंपैक्ट किस पे, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। पहला केस, इंक्रीज इन सप्लाई, एक्स एक्सिस पे क्या आता है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, वाई एक्सिस पे क्या आता है, प्राइस, प्राइस इन रुपीज, क्वांटिटी इन यूनिट्स। इशू ऑफ शेयर लेवल टू का मैंने प्रिंट निकाला हुआ, उसको सेट क्लोज कर देना। ओके, ध्यान से देखेंगे, डिमांड सप्लाई, इक्विलिब्रियम पे थे हम, क्या हुआ अचानक, सप्लाई बढ़ गई, अभी हम यहां पे हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ओ क्यू, देर वॉज एन इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ी, राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का, ठीक है, देर विल बी अ राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, जितनी दूर बनाओगे उतना नीट बनेगा, उतना स्कोप होगा आपके पास एरोज बनाने का, एरोज डिफाइन करेंगे कि हुआ क्या, राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। अब सेम प्राइस पे अगर सप्लाई बढ़ गई, शिफ्ट इन सप्लाई, क्या रीजन हो सकता था, फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंक्रीज इन सब्सिडीज, तो ये याद रहनी चाहिए चीजें। तो राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का, सेम प्राइस पे डिमांड और सप्लाई में तो काफी ज्यादा गैप आ गया, तो दिस विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ
एक्सेस सप्लाई, फिर आपको चेन इफेक्ट्स आने चाहिए. व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई? पहली बात तो एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या है? एक्सेस सप्लाई मतलब मार्केट सप्लाई इज मोर देन मार्केट डिमांड. तो सबसे पहला कीवर्ड कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स, कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स. They are forced to lower the price of commodity. As the price falls, तो दो बातें, due to law of demand. Demand rises. बेटा यहाँ पे तो कितना बड़ा रोल प्ले करेगी इंक्रीज इन डिमांड और राइज इन डिमांड. पूरा ग्राफ ही गलत हो जाएगा आपका. इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. राइज इन डिमांड, डाउनवर्ड मूवमेंट. प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ी. तो प्लीज यार देखो, ये कॉमन एरर होता है कि अपवर्ड, क्योंकि ऐसा लगता है ना बढ़ रही है ना कोई चीज, वो नीचे कैसे जा सकती है भाई? डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जितना नीचे जा रहा है डिमांड आपकी उतनी ज्यादा होती जा रही है क्योंकि प्राइसेस गिर रहे हैं. तो प्लीज, नेगेटिव टर्म है ना डाउनवर्ड, बढ़ने के लिए तो हो सकती है गलती. तो रुक के सोचा करो, ग्राफ को विजुलाइज करा करो. अच्छा डाउनवर्ड, हाँ क्वांटिटी है ना नीचे एक्स एक्सिस पे, जितना मैं राइट साइड पे जा रहा हूँ क्वांटिटी उतनी बढ़ेगी. अब डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो डाउनवर्ड ही जाएगी ना. सप्लाई कब अपवर्ड स्लोपिंग है तो वो हमें राइटवर्ड देख रहे हैं कि राइटवर्ड मूवमेंट हो रही है तो वो चीज बढ़ रही है. डिमांड कब है डाउनवर्ड, सप्लाई कब है अपवर्ड, तो सप्लाई में राइज में अपवर्ड मूवमेंट होती है. लेफ्टवर्ड मूवमेंट हो रही है तो वो चीज कम हो रही है. तो डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट, फॉल इन डिमांड होता है, सप्लाई में डाउनवर्ड मूवमेंट. तो प्लीज विजुअलाइज. तो चेन इफेक्ट्स में कॉम्पिटिशन अमंग द प्रोड्यूसर्स, दे आर फोर्स टू लोअर देयर प्राइसेस. एज द प्राइसेस फॉल लॉ ड्यू टू द लॉ ऑफ, तो आपको कीवर्ड लिखवा रहा हूं मैं, आप तो सेंटेंस लिखेंगे ना. ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड राइजेस. ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई फॉल्स. न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट इवन. New equilibrium is established at even. कर देते हैं इसको close पहले graph को. Excess supply थी, excess supply होने की वजह से क्या हुआ? Prices गिरने की वजह से क्या हुआ? Demand बढ़ी, supply गिरी. कब तक ये सिलसिला चलेगा? Till the time new equilibrium is attained. ध्यान से देखना. क्या लिख देंगे हम इसको? दिस इज पी वन, दिस इज क्यू वन. तो कहानी जब कंटिन्यू होगी तो मेरा पेज भर गया है, ध्यान से देखना. यहां तक पहुंच गए थे हम. न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड एट पॉइंट ई वन. तो बस लास्ट चीज क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस, दो चीजों की बातें कर रहे हैं ना. इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स कहां से? फ्रॉम ओपी टू ओपी वन. इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस from OQ to OQ1. Verify कर लेंगे. Price गिरा but quantity बढ़ी. यहां पे भी arrow बना लेनी चाहिए. Price बढ़ा, price गिरा, quantity बढ़ी.
अब ये चीज याद करने वाली नहीं है। कोई भी चीज हम याद करते हैं तो चांसेस है कि हम भूल सकते हैं। याद क्या करनी है, कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस है। किसी चीज की डिमांड भी 500 थी, सप्लाई भी 500 थी, सप्लाई 700 हो गई, डिमांड अभी भी 500 है, तो मार्केट में सामान ज्यादा आ गया। मार्केट में सामान ज्यादा आ गया, अब अगर बेचना चाहते हो, आप प्रोड्यूसर हो, आपको प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। जब आप प्राइसेस कम करते हो, प्राइसेस गिरते हैं किसी चीज के, तो उसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, न्यू कंज्यूमर्स आ सकते हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, आपकी कंजम्पशन बढ़ सकती है, तो वो मूवमेंट अलोंग द कर्व है। अब एट द सेम टाइम क्योंकि प्राइसेस गिर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स वुड बी लेस मोटिवेटेड टू सप्लाई दैट कमोडिटी, तो सप्लाई गिरनी शुरू हो जाती है। तो जो गैप था 500 डिमांड 700 सप्लाई, जैसे जैसे प्राइसेस कम हुए, डिमांड 500 510 550 580 बढ़ती गई, सप्लाई 700 670 650 625 गिरती गई। तो कब तक वो प्राइसेस को कम करना पड़ेगा उनको, टिल द टाइम दे अटेन इक्विलिब्रियम। प्योर लॉजिक, प्योर लॉजिक, कोई फॉर्मूले थोड़ी ना अप्लाई हो रहे हैं इसमें, कोई फॉर्मूला नहीं है, प्योर लॉजिक। बट प्लीज सिचुएशन को बड़े ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, वहां टेक्निकल नॉलेज काम आएगी। प्रेजेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए और सीक्वेंसिंग कम से कम वर्ड्स में परफेक्ट आंसर। ऐसे नहीं लिखना चेंज इन सप्लाई पे, ठीक है ना। कुछ बच्चे मतलब कहानी लिख देते हैं कि सर मैं समझाता हूं इनको क्या होता है एक्सेस सप्लाई। प्लीज यार पॉइंट्स में आपका आंसर इतना प्रिसाइज क्रिस्प होना चाहिए कि कम से कम वर्ड्स में आपने पूरी बात कर दी। वर्ड लिमिट होती है एग्जाम्स में, बात करो एग्जाम्स की भी नहीं है, कहानी नहीं लिखनी, एक लंबा सा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, पॉइंटर्स होने चाहिए, बट वन वन लाइन भी नहीं, कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं, एक्सप्लेनेशन बट शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स, शॉर्ट पैराग्राफ्स एक्सप्लेनेशन। क्या करा हमने, चेंज इन सप्लाई में केस वन इंक्रीज इन सप्लाई, अभी कर देंगे केस टू डिक्रीज इन सप्लाई।